एमसी स्टैन को जनता ने जिताया है, उसके सारे शोज फुल हैं। देखिए शिव ठाकरे ने एमसी स्टैन को लेकर क्या कहा। बिग बॉस के बाद क्या कुछ मिस कर रहे हो, सबसे पहले वो बताओ। मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ, मैं मजे कर रहा हूँ, लोग प्यार कर रहे हैं और वो सपनों वाली दुनिया मैंने देखी थी वो जी रहा हूँ। लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हो, आप लोग जब ये आ रहे हो, ये मैंने टीवी पे देखा था पहले। बिल्कुल। और तो अभी आप आ रहे हो मेरे लिए, तो यार ये तो बस सब आप जब दूसरों को देखते हो इमेजिन करते हो अभी हो रही है पूरी, तो ये जी रहा हूँ और बहुत मेहनत करना है और बहुत अलग अलग शो का। सोशल मीडिया पे भी हम लोग देख रहे हैं कि आपकी लाइफ आपकी मैजिकल हो चुकी है, आप ये बोल रहे हो, फैंस काफी आ रहे हैं, सेल्फी मोमेंट्स हो रहे हैं, कितना इमेजिन किए थे और कितना एंजॉय कर रहे हो इस मोमेंट को? जितना इमेजिन किया था उससे बहुत ज़्यादा मुझे मिल रहा है, सच्ची बोलूँ तो। और अभी जो होता है ना कि आप जब मेहनत करते हो तो शाबाश की चाहिए, वो सब आप लोग दे रहे हो और मुझे वो अपनी फैमिली पब्लिक दे रही है, तो अभी और मेहनत करेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें देखेंगे और काम करेंगे। वन लास्ट, एमसी स्टैंड के लिए जो जिसको भरोसा नहीं था लोगों को कि एमसी स्टैंड जीत जाएंगे, आपके ऊपर था, प्रियंका के ऊपर था, बट उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहोगे? मुझे बताया कि वोटिंग पे बिग बॉस होता है जी, और वही लोग हैं जिन्होंने वोटिंग से एमसी स्टैंड को जिताया, उसको प्यार कर किया है और प्यार कर रहे, उसके जो अभी आने वाले शोज है वो सब बुक है, एक टिकट भी नहीं है ब्रो। बिल्कुल, उसका हक है, वो बंदे का हक था उसके पास। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।